नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। पड़ाव के साहूपुरी में स्थित महाम इंटरनेशनल स्कूल में टाइकांडो एसोसिएशन चंदौली की ओर से द्वितीय इंटर स्कूल क्लब टाइकांडो चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 110 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य संजय मिश्रा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में संतोष कुमार पटेल उपस्थित रहे। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की। पटेल जी आ चुके हैं और हमारे एसोसिएशन के सभी मेंबर भी यहाँ पे उपस्थित हैं, तो मैं प्लेयर्स से अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों से इनकी स्वागत करें। करीम बॉल कॉलिंग शिवम श्रीवास्तव दीपू इंद्रू चेस्गार्ड दीपक कुमार कहेंगे कि हमारे चीफ गेस्ट को फूल माला से हाँ सर, अपना परिचय बताएं। मैं संजय मिश्रा, सदर जिला पंचायत वाराणसी। आज यहाँ पे किस तरह का गेम चल रहा है, क्या इसका उद्देश्य है? टाइकांडो गेम चल रहा है, उसमें पुरस्कार वितरण के लिए हम लोग को बुलाया गया है। हमें लगता है कि इसका उद्देश्य तो आज की जो हालात है, निश्चित तौर पे बेटे से ज्यादा बेटियों को सीखना चाहिए, ताकि समाज के जो हालात हैं आपसे छिपी नहीं है, निश्चित तौर पे आत्म सुरक्षा के लिए। और यह खेल अगर हमने पढ़ा है तो उसमें लिखा है कि कहीं भी इसका दुरुपयोग न किया जाए और आत्म सुरक्षा के लिए इस खेल को और विश्व शांति के लिए इस खेल को किया जाए। और हमें लगता है यही इसका सही उद्देश्य भी होना चाहिए कि जो बेटियों को निश्चित तौर पे इस खेल में पूरी भागीदारी हो और उनको सिखाया जाए। और हम तो कहते हैं इस पूरे विद्यालय परिवार को और जो टीचर्स लोग सिखा रहे हैं, हम इनको धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि आप लोग ने जो इस समय के हालात है इनमें बेटियों की रक्षा के लिए इससे अच्छा उपाय, अच्छा खेल कोई हो ही नहीं सकता। हाँ सर, अपना परिचय बताएं। मैं संतोष कुमार पटेल, भारतीय समाज कल्याण समिति प्रबंधक सचिव। सर, आज मैं यहाँ पे सेकेंड इंटर स्कूल क्लब टाइकांडो के लिए यहाँ पे हमें एज ए ऑनरेबल गेस्ट बुलाया गया था और आगे मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई। हमारे साथ के जो भी लोग हमारे बड़े भाई मिश्रा चेयरमैन और भी जो लोग हैं और हमारे टीचर जो इसमें ऑलरेडी बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसका हमारे बड़े भाई मिश्रा सर बताए हैं कि बच्चों से ज्यादा बच्चियों को सीखना चाहिए। कारण क्या है कि आज समाज में जो सोच लोगों की बदल रही है और उनके सुरक्षा की भावना को देखते हुए, सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बच्चों को अत्यधिक मात्रा में इसमें भाग लेना चाहिए। और हम लोगों से जो भी सहयोग हो, दिल खोल के कहें, हम लोग तन मन धन हर तरह से बच्चियों के लिए समर्पित है। और हम स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अपने साथियों को धन्यवाद देते हैं जो मुझे यहाँ पे बुलाए और काफी अच्छा सम्मान है। थैंक यू सर। अपना परिचय बताएं। मैं जितेंद्र कुमार इस स्कूल का प्रमोटर हूँ। सर, आज यहाँ पे किस तरह का गेम चल रहा है, क्या सेकंड इंटर स्कूल चैंपियनशिप, कितने स्कूलों ने भाग लिया इस गेम में? तकरीबन 4 स्कूलों ने भाग लिया है, जिसमें अलग अलग क्लबों के लोग बच्चे भी आए हैं, जो स्कूली बच्चे हैं स्पेशली। और इस तरह के गेम कराने का हम लोग का मकसद सालाना हमेशा ये मोटिव रहता है कि बच्चे खेल से जुड़े, खेल की भावना से जुड़े और साथ ही साथ
जो पिछले प्रवक्ताओं ने बताया कि आज हमारे जो समाज की परिस्थितियां बनी हुई हैं इसमें अपनी आत्मरक्षा और साथ ही साथ एक आत्मबल का ये प्रयास है, क्योंकि खेल सिर्फ ये शारीरिक पुष्टि नहीं करता, ये मानसिक और हमारी आत्मिक पुष्टि को भी करता है कि हम कितने विल पावर से मजबूत हैं। और हमारे स्कूल मैनेजमेंट इस बात के लिए कमिटेड है कि हम लोग सिर्फ पढ़ाई ना दें, जो कि आज पूरे देश की पढ़ाई के हालात सभी को मालूम है, छिपा नहीं है, लेकिन हम लोग कमिटेड हैं कि बच्चों को शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से किस तरीके से हम उनको और ज़्यादा प्रेरित करें और एक सभ्य नागरिक बनाएं जो अपनी आत्मरक्षा के साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोच सकें।